दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पुराने ज़माने के ओल्ड वॉल क्लॉक मशीन के बारे में, जो बिना किसी एनर्जी या पावर का यूज़ किए सिर्फ और सिर्फ ये स्टील के बने हुए दो स्प्रिंग की मदद से ही ये काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक इस मशीन को फिर से असेंबल करेंगे और इसके छोटे से छोटे पार्ट्स को जानेंगे। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास है दो स्प्रिंग, ये राइट साइड के लिए और ये लेफ्ट साइड के लिए। अब दोनों स्प्रिंगों को हम इस स्प्रिंग लॉकर के अंदर फिट करेंगे। अब हम जानते हैं कि स्प्रिंग लॉकर किस तरीके से स्प्रिंग को फिट करने वाला है। तो आपने देखा होगा किसी भी साइकिल का फ्री व्हील जो पीछे से इजीली घूमता है, उसी तरीके से ये भी एक स्प्रिंग लॉकर एक फ्री व्हील का काम करता है। और ये वाले मेन टीथ है उसको नहीं घूमने देता, लेकिन अंदर का जो मेन बुशिंग है वो साथ में घूमता है। तो अब हम इस स्प्रिंग लॉकर के अंदर ये वाली राइट साइड की स्प्रिंग इसको लॉक करेंगे, उसके बाद ये लेफ्ट साइड वाला जो स्प्रिंग लॉकर है उसके अंदर हम लेफ्ट वाली स्प्रिंग को लॉक करेंगे। यहाँ पर हमारी राइट साइड के लिए स्प्रिंग लॉक हो चुकी है, उसके बाद हम लेफ्ट साइड के लिए भी हम स्प्रिंग को लॉक कर देंगे। ये हमारा फिट हो गया। अब हम दोनों ही स्प्रिंगों को इस तरीके से रिलोड यानी कि स्ट्रेच कर देंगे, उसके बाद हम ये वाले जो मशीन का स्टैंड है उसके अंदर यहाँ पर राइट साइड के लिए और ये वाला हॉल लेफ्ट साइड के लिए अब हम इसे फिट करेंगे। तो चलिए अब हम इसे रिलोड करते हैं। दोस्तों जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्प्रिंग लॉकर था उसके अंदर हमने यहाँ पर दो टाइपिंग्स को लॉक करके यहाँ पर स्प्रिंग को हमने अच्छे से लॉक कर दिया है। उसके बाद हमने चाबी की मदद से इसको स्प्रिंग को अच्छे से हमने लॉक कर दिया है। अब उसी तरीके से हम ये जो राइट हैंड साइड वाला जो हमारा स्प्रिंग है उसे भी हम टाइपिंग्स की मदद से लॉक करके चाबी से अच्छे से इसे स्ट्रेच कर देते हैं। तो चलिए अब इसे भी स्ट्रेच कर लेते हैं। हमारे जो दोनों साइड के जो स्प्रिंग लॉकर थे, एक राइट साइड के लिए और एक लेफ्ट साइड के लिए, तो अब हो चुके हैं वो रेडी। हमने दोनों को अच्छे से टाइपिंग्स की मदद से इसके जो स्प्रिंग थे उसको अब हमने लॉक कर लिया है। तो अब हम मशीन के एक छोटे से छोटे हर एक पार्ट्स को स्टैंड के अंदर फिट करते हैं। Thank you.
फाइनली फ्रेंड्स, हमारा ये जो मशीन को असेंबल करने का काम था वो अच्छे से ख़त्म हो चुका है और मशीन भी अच्छे से फिट हो चुका है। अब हमने जो स्प्रिंग लॉकर को स्प्रिंग लॉक करने के लिए जो टाइपिंग लगाए थे एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, तो अब हम उसे ब्लेड की मदद से कट कर देंगे और हम देखेंगे कि हमारा मशीन ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए अब हम इसे ब्लेड की मदद से टाइपिंग्स को कट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।